بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Here is Mrs. Nazmata, Assistant Professor of English, Common Degree College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. This lecture is for class 2nd year, subject English compulsory. My dear students, today we are going to look at the chapter number 11 from Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. The main event that we discuss in this essay is a quarrel. The quarrel in the novel between Chips and Roston is a very striking incident in the novel. Main points: personality of Mr. Roston, loyalty of Chips towards Brookfield, row between Chips and Roston, demand of resignation from Roston, suggestions and complaints from Roston, thoughts of Chips about Roston, spreading of news of Chips' resignation, support of other teachers, support of school administration. Before going to the detail of this chapter, you must know about it, that who was the Roston. My dear students, मैंने पहले भी पिछले lectures में बताया था कि ये एक biographical novel है जिसमें तमाम जो वाक्यात हैं वो correlated होते हैं. इस chapter में जो हम पढ़ रहे हैं वो मिस्टर रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान एक झगड़ा हुआ है उसके बारे में है. आपको आगे पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि मिस्टर रॉल्स्टन रेजिग्नेशन उनका क्या है और वो क्या हैं. मिस्टर चैप रॉल्स्टन जो हैं वो हेडमास्टर हैं जस्ट नाउ इन दिस चैप्टर. आपको ये भी जानना होगा कि उससे पहले कौन कौन से हेड थे. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले चैप्टर में ही जो मैंने ही आपको पढ़ाया था वेदर बॉय जो था वो फर्स्ट हेड था मिस्टर चिप्स का. जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था ही इंटरव्यूड चिप्स इन जुलाई 1870 बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज बिफोर चिप्स कुड रियली बिगिन टू फर्स्ट टर्म. उसके बाद जो हेड आया वो सेकंड हेड जिसको मिस्टर चिप्स ने सर्व किया जिनके अंडर काम किया वो थे मेल्ड्रम. मेल्ड्रम ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को 1870 में और उन्होंने सर्व किया ब्रुकफील्ड को 30 ईयर्स. मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ के बाद मिस्टर रॉस्टन ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को कब 1900 में और मिस्टर रॉल्स्टन जो हैं वो 1900 में ब्रुकफील्ड में अपने हेड के फ्राइस अंजाम दे रहे थे और वो मिस्टर चिप्स के साथ काम कर रहे थे. अब जो वाक्य पेश आया है जो इस चैप्टर का नाम भी अक्सर लोग इसे रो बिटवीन रॉल्स्टन एंड चिप्स कहते हैं. तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो जो चैप्टर में जो वाक्य पेश आया है उसकी जो डेट है वो 1908 है. यानी 1908 में तकरीबन उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र बनती है 60 ईयर्स और उनकी सर्विस कितनी बनती है 30 ईयर्स. उन्होंने 1970 में ज्वाइन किया 30 ईयर्स 1900 में कंप्लीट हुए और अब तो है वो कितने ईयर्स हो गए 38 ईयर्स के करीब उनकी सर्विस हो चुकी है और उनकी उम्र तकरीबन 60 ईयर्स हो चुकी है. इस रेफरेंस के बाद आपको थोड़ा सा इस सबक को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी. अब क्या होता है कि जब मेल्ड्रम जो है उसकी डेथ होती है तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक्टिंग हेड भी बनते हैं. ये पिछले चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है. एक्टिंग हेड बनते हुए पहले से ही मिस्टर चिप्स को मालूम था कि वो हेड नहीं बन सकते और ही वाज वेटिंग फॉर द हेड कि जो हेड आएगा वो उसका इंतज़ार कर रहे थे. उसको उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे किया और विलिंगली वो उसके साथ सर्व कर रहे थे. अब जो स्लाइड आपके सामने है वो है लॉयलिटी ऑफ चिप्स. यानी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लॉयलिटी ऑफ चिप्स. चिप्स की लॉयलिटी के बारे में कोई शक नहीं है क्योंकि 38 ईयर्स से वो सर्व कर रहे हैं ब्रुकफील्ड को. अब वो ब्रुकफील्ड खुद हो चुके हैं. जैसे आपने अक्सर एक मुहावरा सुना हुआ रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई. यानी कि मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड को सर्व करते करते खुद जो है वो ब्रुकफील्ड बन चुके थे और वो बहुत विलिंग थे मिस्टर रॉल्स्टन को सर्व करने में. तो वो क्या वो चिप्स सर्व रॉल्स्टन विलिंगली एंड क्वाइट लॉयली आर रादर ही सर्व ब्रुकफील्ड दो ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाई रॉल्स्टन. रॉल्स्टन को जो है वो मिस्टर चिप्स इतने पसंद नहीं आए. अब मिस्टर रॉल्स्टन जब एज हेड बनते हैं तो उनके क्या एम्स थे. उनका एम था ही एम्ड टू मेक ब्रुकफील्ड अ थॉरली अप टू डेट स्कूल
यानी वो चाहते थे कि अब जो ब्रुकफील्ड है वो साइंस टीचर थे और साइंटिफिक अप्रोच थी उनकी, उनका ख्याल था कि ब्रुकफील्ड जो है वो एक बहुत आला दर्जे का स्कूल बन जाए. ही थॉट डैट एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द क्लासिक्स शुड बी टॉट इन अ मॉडर्न वे, यानी कि मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न स्टाइल के साथ जो है उस स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए. ही वेंट टू लंडन क्लब्स एंड कन्विंस द रिच पीपल टू गेट देयर चिल्ड्रन एडमिटेड टू ब्रुकफील्ड. वो लंदन भी गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ हल्के के लोगों को इन्वाइट किया कि वो ब्रुकफील्ड में बच्चों को एडमिशन दिलवाएं. अब क्या इफेक्ट हुआ? इफेक्ट्स ऑफ रॉल्स्टन्स एफर्ट फॉर स्कूल. रॉल्स्टन ने बहुत सारी एफर्ट्स की. रॉल्स्टन रेज्ड द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल. ही इंक्रीज्ड द स्कूल फंड्स through different tricks. The number of the student was increased greatly and for the first time in history there was a longish waiting list of students. यानी मिस्टर चिप्स इस मिस्टर रॉल्स्टन इस बात पर काबिल हो गए कि उन्होंने इसका स्टेटस भी बुलंद किया, स्कूल में बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगी और जो उसके फंड थे वो भी रेस हो गए. अब क्या होता है कि रॉल्स्टन जो है उसे कुछ कंप्लेंट्स होती हैं अगेंस्ट मिस्टर चिप्स. तो रॉल्स्टन थॉट दैट मिस्टर चिप्स वॉज सो ओल्ड एंड स्लोवेनली दैट ही कुड नॉट बी रिफॉर्म्ड. उनका ख्याल था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, उनका टीचिंग स्टाइल जो है वो स्लैक है, उनका जो हैबिट्स हैं वो स्लोवेनली हैं कि वो थोड़ी पुरानी हैं, तकियानुसी हैं. उसके बाद ही वोर ओल्ड एंड टॉर्न ड्रेस गाउन. इट मीन्स वो चाहते थे कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस नहीं रहते. मिस्टर चिप्स का वेल ड्रेस हो इसलिए नहीं थे कि जब उनकी मिसेज हयात थी तो वो बहुत वेल ड्रेस थे, अब थोड़े थोड़े बूढ़ा होना शुरू हो गए थे. तो उनका जो गाउन था उसने वो मेंशन भी किया है इसमें टेक्स्ट में, येस लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, आई हैपन टू नो दैट गाउन ऑफ योर इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल. वो कहते हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं आपके गाउन को. ही हैड ऑलवेज इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शंस. उन्होंने कहा जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, आप ओल्ड फैशन टीचर हैं और आप जो है मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते. ही डिड नॉट चेंज हिज लैटिन प्रोनाउंसिएशन. हीज मैथड ऑफ टीचिंग वर ओल्ड फैशन. उन्होंने कहा जी आपका जो मैथड ऑफ टीचिंग है वो पुराना है, आप ओल्ड फैशंस पर डिज़ाइन किए हुए पे पढ़ रहे हैं. यानी वो वाला वो सिलेबस पढ़ा रहे थे और उसी प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहे थे जो उन्होंने मेलड्रम के साथ मिलकर सेट की थी. अब उन्होंने क्या किया है कि नेक्स्ट हम जो स्लाइड देख रहे हैं सजेशन ऑफ रॉल्स्टन. रॉल्स्टन न्यू हेड ऑफ़ द ब्रुकफील्ड था और वो स्कूल को, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसका फंड्स भी रेज किए, उसका स्टेटस भी रेज कर चुका था, तो उसने मिस्टर चिप्स को कहा कि मैं सजेस्ट करता हूँ सडनली इन 1908 व्हेन ही हैड जस्ट टर्न 60. जब मिस्टर चिप्स 60 के हो गए तो उन्होंने कहा, मिस्टर चिप्स को अपने पास बुलाया मीटिंग पे और वो मिस्टर चिप्स को बकायदा उनके नाम के साथ, पूरे नाम के साथ पुकारते थे, मिस्टर चिपिंग. कहते हैं वेल मिस्टर चिपिंग द सजेशन इज़ देयर फॉर यू टू कंसीडर द गवर्नर वुड ऑफ कोर्स एग्री टू योर बीइंग एडिक्यूट पेंशन. तो कहते हैं कि आपको जो गवर्नर्स हैं वो एडिक्यूटली पेंशन देंगे, एक मुनासब पेंशन होगी, आप 60 ईयर्स के हो गए हैं, तो मेरी सजेशन ये है कि प्लीज़ गो एट होम एंड हैव सम रेस्ट. मिस्टर चिप्स को ये बात पसंद नहीं आती. उनके दरमियान थोड़ी लहजे जो हैं वो गर्म हो जाते हैं. कभी मिस्टर चिप्स जो है उनको आंसर करते हैं और कभी जो रॉल्स्टन है वो ऊंची आवाज़ में उनसे बात करता है. अब क्या था रीज़न एंड द क्वल उनके दरमियान होता है. मिस्टर रॉल्स्टन वाज अ मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हु डिड नॉट लाइक द ओल्ड मेथड ऑफ मिस्टर चिप्स. और वो क्या करता है, ही लेवल्ड मैनी चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड आस्क्ड हिम टू रिज़ाइन, बट मिस्टर चिप्स रिफ्यूज टू अबे हिम, सो अ रो स्टार्टेड बिटवीन दैम. यानी मिस्टर चिप्स ने उनकी इन सजेशन को मानने से इनकार कर दिया. और मिस्टर चिप्स जानते थे कि अकॉर्डिंग टू चिप्स रॉल्स्टन वाज रनिंग ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग स्नॉब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन. स्नॉब कल्चर का मतलब ये है कि मिस्टर चिप्स का ख्याल था कि जो स्कूल है उसकी एक अपनी रवायात होती हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए. लेकिन मिस्टर रॉल्स्टन जो हैं वो स्कूल को किसके मुताबिक चला रहे हैं, के बहुत रिच करना चाह रहे हैं स्कूल को, और स्नॉबिश एटीट्यूड है उनका. स्नॉब कहते हैं, स्नॉब इज़ अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्ट सोशल स्टेटस आर वेल्थ एंड हु लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ लोअर क्लास. द 19th सेंचुरी वॉज मार्क्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच रिजल्ट इन अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ सोसाइटी.
तो वो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ सोसाइटी पहले से ही थोड़ा ऐसे हो चुका था, और मिस्टर रॉल्सटन जो हैं वो इसी चीज़ के कायल थे कि वो चाहते थे कि थोड़ा सा अमीर लोग ज़्यादा जो हैं वो स्कूल में आएँ, और जो मिस्टर चिप्स को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक जो हमें इस बात समझ में आती है कि दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो चुका है। अब अहम बात जो बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रॉल्सटन का क्या एटीट्यूड था, वो कैसा था, और मिस्टर चिप्स कैसे थे, तो ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाएगी। रॉल्सटन वाज अ साइंस टीचर, ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स, वो साइंस टीचर भी था, उसका स्टडीज़ जो थी वो बहुत हाई किस्म की थी। रॉल्सटन वाज नॉट वेरी लाइकेबल, रॉल्सटन को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उसका एटीट्यूड जो था ही वाज सीवियर एंड वायलेंट, वो थोड़ा सख्त था उसका एटीट्यूड। वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में भी बहुत ज़्यादा बॉदर करता था वो। एफिशिएंट, रथलेस, एम्बिशियस, यंग एंड मॉडर्न, वो यंग था, मॉडर्न था, उसका एम्बिशियस ज़्यादा था। अब हम देखते हैं कि वाइस वर्सा जो मिस्टर चिप्स हैं वो कैसे थे। मिस्टर चिप्स जो लैटिन और ग्रीक पढ़ाते थे, उनका एवरेज रिकॉर्ड जो था एकेडमी का वो एवरेज था। चिप्स वॉज लव ग्रेटली एट ब्रुकफील्ड, मिस्टर चिप्स को वहाँ पढ़ाते हुए 38 ईयर्स हो चुके थे, और ब्रुकफील्ड के तमाम जो नए पुराने टीचर्स थे वो उन्हें बहुत रिगार्ड देते थे, शहर के लोग भी, टीचर्स भी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। सॉफ्ट थे, माइल्ड थे, कन्वेंशनल मैन थे। चिप्स हैड टू फेस डिसिप्लिन इशू, क्योंकि थोड़ा सा बूढ़े होने की वजह से थोड़ा सा डिसिप्लिन का इशू उनका बहुत शुरू में भी रहा, लेकिन दरमियान में इम्प्रूव हुआ, लेकिन अब दोबारा थोड़े से डिसिप्लिन इशू थे। काइंड एटीट्यूड था उनका, बच्चों के साथ बहुत मज़ाहिया एटीट्यूड था। ओल्ड एंड कंजर्वेटिव, थोड़े से ओल्ड एंड कंजर्वेटिव इन दिस सेंस थे कि वो ब्रुकफील्ड की तमाम रवायात को लेकर चलना पसंद करते थे। मीनवाइल क्या होता है कि जब उनका झगड़ा होता है, स्प्रेड ऑफ न्यूज़ अबाउट रो, अब एक जो बच्चा है वो मिस्टर रॉल्सटन से मिलने के लिए उनके बाहर ऑफिस में खड़ा होता है किसी वजह से, और वो बच्चा जो है ही जो है वो सुन लेता है बात सारी कि अंदर जो है वो कोई लड़ाई हुई है या थोड़ी बात जो है वो सख्त हुई है, तो वो बात जो है वो हर जगह फैल जाती है। सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, जब बच्चा जो आके टीचर अपने अपने फ्रेंड्स को बताता है, और उसके बाद वो जो है बात पेरेंट्स तक चली जाती है, और मिस्टर चिप्स को जो जिन लोग कॉमन लोगों के भी नॉलेज में आ जाती है। द रॉल्सटन हैड टू इंसल्ट चिप्स एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, कहते हैं कि रॉल्सटन ने उनकी इंसल्ट की है मिस्टर चिप्स की, और रेजिग्नेशन डिमांड किया है। और उसके बाद कहते हैं द अमेजिंग रिजल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ सैम्पथी एंड लव फॉर द चिप्स, यानी कि बहुत सैम्पथी लोगों को थी मिस्टर चिप्स के साथ, और अपने मोहब्बत का इजहार किया। अब 1908 है ये, और जॉन रिवर विज़िट करते हैं। जॉन रिवर जो हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन ये है कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं। तो एट वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स सर जॉन रिवर विजिटेड ब्रुकफील्ड, इग्नोर्ड द रॉल्सटन एंड वेंट टू डायरेक्ट टू मिस्टर चिप्स। वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं रॉल्सटन को, हेड के पास भी नहीं जाते, और बिल्कुल सीधा जो है वो मिस्टर चिप्स के पास जाते हैं, और मिस्टर चिप्स को जो है वो मिलते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, रिगार्ड पे करते हैं। तो कहते हैं कि जी आप जब तक चाहें कि चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि आप जब तक चाहें स्कूल में स्टे कर सकते हैं, और कहते हैं कि वी वेल नो अबाउट मिस्टर रॉल्सटन, कि मिस्टर रॉल्सटन जो हैं हम उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे शख्स हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द गवर्नर्स डिड नॉट वॉन्ट टू रिज़ाइन, यानी गवर्नर्स आपसे ये नहीं चाहते कि आप रिज़ाइन करें। ब्रुकफील्ड वुड नॉट बी सेम विदाउट यू, वो बहुत स्पेशल वर्ड्स में कहते हैं कि ब्रुकफील्ड जो है वो आपके बगैर वैसा नहीं रह सकता जैसे होना चाहिए। एंड दे नो इट, वी आल नो इट, उनका हम सब जानते हैं, वी आल नो इट यानी कि टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यू कैन स्टे हेयर टिल यू आर 100 इफ़ यू फील लाइक इट, इन डीड इट इज़ आर होप दैट यू विल। उन्होंने कहा कि आप जो हैं जब तक 100 के नहीं होते, या जब तक आप खुद बेहतर महसूस नहीं करते कि आप ब्रुकफील्ड को छोड़ सकते हैं, या आप जब तक आप सर्व करना चाहें, और हम सब होप करते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि आप यहाँ पर सर्व करें। और वी नो के रॉल्सटन जो है वो बहुत क्लेवर है, और उसने स्कूल को उसका स्टेटस रेज किया है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी रिकॉर्डेड यू। मिस्टर चिप्स की एक ख़ास बात ये होती है कि मिस्टर चिप्स, हम ये जो नावल पढ़ रहे हैं उसमें वो बार बार अपनी याददाश्तें कलेक्ट करता है, याद करता है, लेकिन जब वो ये वाक़या याद करता है तो ही फेल्ट लिटिल सॉरी फॉर रॉल्सटन व्हेन ही रिमेंबर्ड। ये बात याद रखने की है कि जब भी वो मिस्टर रॉल्सटन के इस वाक़े को याद करता है तो उसके बारे में अफसोस करता है कि ऐसा वाक़या पेश ना आता, या उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो जी ये था जी आपका चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग और
याद रखने वाला चैप्टर है, जिसमें ऐसी बात की गई है जो बहुत ही अहम है। इस चैप्टर से भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मतलब कौन सी डेट को जो है ये वाक्या पेश आया, मैंने आपको बता दिया, कब गवर्नर ने विज़िट किया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर हम डिटेल में जाकर देखें तो इस चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हम डिस्क्राइब द रो बिटवीन द रॉल्स्टन एंड द चिप्स पढ़ेंगे। दूसरा सवाल इसमें ये हो सकता है, हाउ डिड द पीपल ऑफ द एरिया केम टू नो अबाउट द रो बिटवीन द चिप्स एंड रॉल्स्टन। वो आपको मैंने बताया, बाय चांस देयर वाज अ बॉय प्रेजेंट आउटसाइड द रॉल्स्टन्स ऑफिस, ही हैड हर्ड ऑफ ऑल दिस, ही टोल्ड द अदर बॉयज, सोन इट बिकेम टॉक ऑफ द टाउन। फिर है, व्हाट वाज द पीपल रिएक्शन आफ्टर द रो बिटवीन द रॉल्स्टन एंड द चिप्स, द पीपल कुड नॉट टॉलरेट चिप्स इंसल्ट, दे रिएक्टेड अगेंस्ट इट, द मैटर बिकेम सो सीरियस दैट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विजिटेड ब्रुकफील्ड टू रिजॉल्व दिस मैटर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी नेम्स आते हैं इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, आपको सारे याद रखने हैं कि सर जॉन रिवर्स कौन था। सर जॉन रिवर वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ही वॉज एन ओल्ड ब्रुकफील्डियन, एज सच ही वॉज अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, नाउ ही वॉज बोरोनेट एंड इन्जॉयड अ हाई रैंक इन सोसाइटी। डिस्क्राइब द सर जॉन रिवर विजिट, मिस्टर जॉन रिवर का विजिट बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये था कि वो डायरेक्ट चला गया मिस्टर चिप्स के पास, उसने इग्नोर किया रॉल्स्टन को, रॉल्स्टन से मिला नहीं, डायरेक्ट जाके उन्हें थैंक यू किया और उन्हें एडमायर किया और कहा कि आप 100 ईयर स्टे करें, जो भी मतलब आप 2 to 3 लाइन्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। व्हाट वर द चार्जेस ऑफ रॉल्स्टन लेवल्ड अगेंस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि वो मैंने बताया कि ब्लेम्ड किया कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो एफिशिएंट वर्कर नहीं हैं, उनका मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो स्लैक है, ओल्ड है, और उनकी हैबिट्स जो हैं वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं हैं। व्हाट वर द रॉल्स्टन्स व्यू अबाउट द लैटिन प्रोनाउंसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। वो बात रॉल्स्टन चाहता था कि मॉडर्न हो, मिस्टर चिप्स जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन वो मेलड्रम के साथ एडजस्ट किया हुआ पुराने ज़माने का, और उसमें वही सिलेबस था तो वो उसको पसंद नहीं था। वो ज़्यादा कुछ खास लव थे किक करो सिक करो के वो बोले और उसको ज़रा थोड़ा बेहतर और मॉडर्न किया जाए। ऑन वट लाइन्स वॉज रॉल्स्टन रनिंग ब्रुकफील्ड स्कूल, ये मैंने आपको बताया कि वो खुद स्नॉब था तो उसे ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो एक फैक्ट्री की तरह से रन कर रहा था। फिर हाउ डिड द पीपल केम टू नो रॉल्स्टन एंड हिज इंसल्ट चिप्स, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि चिप्स वॉज अ ग्रेट मैन, ही डिड नॉट टेल एनी बॉडी अबाउट द इंसिडेंट आउटसाइड द ऑफिस, ही टोल्ड अदर एवरीथिंग, सून द न्यूज स्प्रेड। And this is, that's all the chapter about it. These question answers are very important. You will have to learn these questions by heart and prepare for the examination point of view. Thanks for watching. Stay blessed, my dear students. Allah Hafiz.